दोस्तों स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूपीएससी के नतीजे आने के बाद सभी लोग, खास तौर पर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, ये जानना चाह रहे होंगे कि टॉपर्स ने कैसे पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की, कहाँ से कोचिंग ली वगैरह वगैरह। लेकिन खास बात ये है कि ऐसे सवालों का कोई आदर्श उत्तर नहीं है, लेकिन फिर भी यूपीएससी टॉपर्स की कुछ बातों का अनुसरण तो किया ही जा सकता है और उनकी मदद से अपनी सफलता की एक अलग कहानी भी लिखी जा सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है टॉप हैबिट्स ऑफ यूपीएससी टॉपर्स। ना कहना सीखें। सबसे पहले अपने अंदर उमड़ रही टेम्पटेशंस को ना कहना सीखिए। मोबाइल को, टीवी को, दोस्तों के साथ पार्टी करने को, अपने समय बेकार व्यर्थ करने को, इन सब को ना कहिए। याद रखिए, आप एक बार ना कहते हैं तो आप कई नेगेटिव टेम्पटेशन से बच जाते हैं। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप ना कहना सीख लेंगे तो ये आपके लिए एफर्टलेस हो जाएगा। प्लानिंग एंड रिव्यू। यूपीएससी की तैयारी कर रहा हर छात्र अपनी योजना जरूर तैयार करता है, मगर योजना बीच बीच में बिखरती भी रहती है। ऐसे में जरूरत होती है उन्हें फौरन दुरुस्त करने की, इसलिए प्लान को लगातार रिव्यू करना भी बहुत जरूरी होता है। अपनी योजनाएं बनाएं, उनको रिव्यू करें और जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव भी करते रहें। रिवाइज डेली फ्रॉम द बिगिनिंग। रिविजन करना तैयारी का ही अंग है, वरना आप पढ़ते जाएंगे और पीछे का भूलते जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप हर दिन रिवीजन के लिए नियमित समय बना लें और उस समय सिर्फ पहले की पढ़े हुए टॉपिक्स को रिवाइज करें। आप चाहे तो ये काम सुबह उठकर या रात को सोने से पहले कभी भी कर सकते हैं। अपने हितेशियों के नजदीक और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। यूपीएससी की तैयारी एक लंबी प्रक्रिया है और इस दौरान थकान, उबाऊपन और डीमोटिवेट होना आम समस्या है। ऐसे में आपको जरूरत होती है उन लोगों की जो आपका हाथ पकड़कर आपको प्रोत्साहित कर सकते रहे। इस तरह अपने आप को नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूर ही रखें। ऐसे लोगों के पास समाधान कम और समस्याएं ज्यादा होती हैं और आप निश्चित ही उनकी समस्याओं के जाल में नहीं उलझना चाहेंगे। हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल। अंग्रेजी में एक कहावत है, अ साउंड माइंड रिसाइड्स इन अ साउंड बॉडी। अपने दिमाग को मजबूत करने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने शरीर पर ध्यान ही ना दें, बल्कि तैयारी के दौरान आप अपने आप को जितना फिजिकली फिट रखेंगे, आपका दिमाग भी उतना ही शार्पनेस के साथ काम करेगा। आपको थकान कम होगी और आपकी याददाश्त भी बेहतर होगी। रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपनी छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करने में कोई बुराई नहीं है। यदि आप कोई छोटा सा लक्ष्य भी हासिल करते हैं तो उसके लिए अपने आप को शाबाशी दीजिए। आप चाहे तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आपको अच्छी लगती हैं, जैसे गेम खेलना या फिर कोई मूवी देखना, कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि रिवॉर्ड्स तभी दिए जाने चाहिए जब आप अपने टारगेट को अचीव कर लें। ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। हम जीवन में कई लोगों से मिलते हैं और उसी के अनुसार हमारा एक्सपीरियंस भी अच्छा या खराब हो सकता है, मगर एक बात फिक्स है कि हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं। आप भी अपने दिमाग को नया कुछ सीखने के लिए हमेशा खुला रखें। लर्न टू हैंडल स्ट्रेस। जीवन में तनाव होना बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस स्ट्रेस को हैंडल कैसे करते हैं। कुछ लोग तो तनाव में इतना व्याकुल हो जाते हैं कि उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। वहीं कुछ लोग स्ट्रेस को जीवन का ही एक पार्ट बनाकर उससे लड़ने की बजाय उसे अपनी समझदारी से दूर लेते हैं। आप भी चाहें तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए फिल्में देख सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर गाने सुन सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।
यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्ट पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 ई सैम्पल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, तो आज ही ऑर्डर करें।